हाय, प्लीज कम एंड कैंडल ऑफ नॉलेज। अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कि फिलॉसफी क्या होती है। दोस्तों, फिलॉसफी क्या होती है और इसके ब्रांचेस क्या क्या है, हम आज इसी वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। सो लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, फिलोसफी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए छोटे से दो दो लाइन लिखी है कि फिलो का मतलब क्या होता है, लव, और सोफिया जो है ये हमारे पास क्या होता है, यानी कि नॉलेज। तो दोस्तों, ये दोनों वर्ड जो है ये ग्रीक जबान से लिए गए ये वर्ड्स है, यानी कि ये यूनानी जबान के वर्ड्स है। तो ये दोनों वर्ड जो है, ये दोनों जब हम मिलाते हैं तो जब इससे हम एक वर्ड बनाते हैं तो वो बन जाता है फिलोसफी। तो दोस्तों, यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ फिलोसफी, अगर ओरिजिन के हवाले से हम बात करें, ये जो टर्म है फिलोसफी, द टर्म ऑफ फिलोसफी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि जो टर्म है फिलोसफी का, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि यार लिया गया है। फिलोसफी की जो वर्ड्स है ये ग्रीक जबान से दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब फिलोसफी मीन्स क्या बनता है कि लव फॉर नॉलेज और पेशन फॉर लर्निंग। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों जुमलों पर आप गौर फरमाएं, कहते हैं कि लव फॉर नॉलेज या पेशन फॉर लर्निंग। दोस्तों, यहाँ पर लव फॉर नॉलेज यानी कि इलम के लिए जो मोहब्बत होती है दिल में, यानी कि इलम हासिल करने के लिए जो आपको जो प्यार होता है कि मैं इलम हासिल करूँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि लव फॉर नॉलेज। इसी तरह अगर हम कहें कि पेशन फॉर लर्निंग, यानी कि शौक, वो शौक जो हम लर्निंग के लिए सीखने के लिए, वो उसी को क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये फिलोसफी का मतलब है या फिर ये मकसद है या इसका मीनिंग है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास जो कि सोशल साइंसेज है उसका एक ऐसा फील्ड है जो कि अगर हम इसमें गहराई में जाएंगे तो यह इसका मतलब जो होता है ये क्वेश्चंस के हवाले से होता है। दोस्तों, फिलॉसफी में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके माइंड को हिला कर रख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं कि ये दुनिया क्या है, यहाँ दुनिया में रहने वाले लोग ये इसका मकसद क्या है, दुनिया में जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया, दुनिया में जो लोग रहते हैं ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह यानी कि गॉड कौन है। इसके अलावा मैं कहूँ कि अगर गॉड है तो हमें ये प्रूव करें कि गॉड है या नहीं। दोस्तों, फिलॉसफी में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम जज्बाती होंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चंस ये हमारे मज़हब यानी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि गॉड कौन है और वो क्या कर रहा है इस वक्त, तो ऐसी क्वेश्चन पूछना ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिलॉसफी का जो मेन मकसद है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलॉसफी में, तो वो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फिलॉसफी की जो ओरिजिन, तो मैंने आपको बता दी कि ओरिजिन इसका क्या है, कि ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, फिलो मीन जो है वो लव है और सोफे मीन क्या है, नॉलेज। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका ये मतलब बनता है कि लव फॉर नॉलेज यानी कि इल्म हासिल करने के लिए जो मोहब्बत होती है वो, या पेशन फॉर लर्निंग, या जो शौक़ होता है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, तो वो फिलॉसफी का मतलब होता है। तो दोस्तों, अगर हम लर्निंग करते हैं यानी कि नॉलेज गेन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछूँ कि ये कमरा कैसे बना, ये मोबाइल कैसे बना, ये मार्केट कैसे बना, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये हमारे जो फिलॉसफी जो फील्ड है इसी में ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें उसका जो क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं उसका आंसर जब मुझे मिलेगा तो वो क्या होगा, वो हमारे इल्म में इजाफा करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह ये नॉलेज गेन करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलॉसफी में। दोस्तों, ये होती है हमारे पास क्या, फिलॉसफी। तो दोस्तों, अब अगर हम इसकी टाइप्स के हवाले से बात करें कि इसके टाइप कौन कौन से हैं, दोस्तों इसकी मेन थ्री टाइप्स है। पहला टाइप है मेटाफिजिक्स और दूसरा टाइप का होता है एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा टाइप होता है एक्सियोलॉजी। तो दोस्तों, इन तीन टाइप्स के हवाले से हम जानेंगे। सो लेट्स कम एंड नो अबाउट देम। ओके, तो मेटाफिजिक्स क्या कहते हैं। दोस्तों, मेटाफिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडी अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी और एग्जिस्टेंस। दोस्तों, यहाँ पर आप इन दो वर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, एग्जिस्टेंस और दूसरा रियलिटी। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है ये क्या है, ये फिलॉसफी का एक ब्रांच है, एक शाखा है, और ये आखिरकार ये स्टडी करती है नेचर ऑफ रियलिटी की, रियलिटी क्या है, रियलिटी आखिरकार है क्या, और एग्जिस्टेंस यानी कि वजूदियत यानी कि जो वजूद होती है एक चीज़ की, वो वजूद क्या है, वो वजूद कैसे पैदा हुई, वो वजूद जो है ये क्यों पैदा हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेटाफिजिक्स है ये इसी के हवाले से क्वेश्चंस पूछती है। दोस्तों, यहाँ पर मेटाफिजिक्स जो है, यहाँ पर ये जो मेटा का वर्ड्स है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड,
और जो फिजिक्स का जो वर्ड है हमारे पास, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। ठीक है दोस्तों, मेटर का मतलब क्या होता है बियॉन्ड, और नेचर का मतलब क्या होता है, यानी कि फिजिक्स जो है ये हमारे पास क्या है, इसको मतलब होता है नेचर। तो दोस्तों मेटाफिजिक्स जो है ये क्वेश्चंस पूछती है रियलिटी या फिर एग्जिस्टेंस के हवाले से। दोस्तों यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एग्जिस्टेंस, यानी कि वजूद क्या है, या फिर एक चीज़ है उसका जो वजूदियत होती है वो क्या होती है, वो कैसे पैदा होती है। तो इसी के हवाले से क्वेश्चन मेटाफिजिक्स में इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज रियलिटी, यानी कि रियलिटी क्या है, यानी कि हम हैं कि ये रियलिटी है, ये हकीकत है, तो फिर ये कैसी हकीकत है, ये हकीकत क्या है। दोस्तों इस तरह ये ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछती है मेटाफिजिक्स, कहते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि खुदा मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर तो बिल्ला हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर हमें बिलीव नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, और यहाँ पर ये जो ब्रांच है मेटाफिजिक्स ये इस तरह क्वेश्चन पूछती है कि खुदा है। यहाँ पर फिर कहते हैं कि क्या खुदा है, एफ सो वी कैन प्रूव इट, तो क्या हम इसको साबित कर सकते हैं कि खुदा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको साबित करना चाहेंगे तो हम कुरान के हवाले से, यानी कुरान ने जो हवाले दिए हैं उसी के हवाले से हम इसको प्रूव करेंगे कि खुदा है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हमें बिलीव नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों अब इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है वो क्या है, दोस्तों कहते हैं कि व्हाट इज टाइम, यानी कि वक्त क्या है, या फिर इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज नेचर, यानी कि कुदरत क्या है, हकीकत यानी कि हमारे पास रियलिटी में हमें बात की रियलिटी क्या है, और यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन है वो पूछता है कि नेचर क्या है, यानी कुदरत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है ये मेटाफिजिक्स में पूछ जाते हैं, यानी कि मेटाफिजिक्स जो है वो इस तरह क्वेश्चन से क्या कहते हैं कि वो इस तरह क्वेश्चन पूछती हैं। तो दोस्तों ये है मेटाफिजिक्स का पहला ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी। दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी कैसे है, कहते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ये फिलोसफी का एक ब्रांच है कंसर्न विद नेचर, यानी कि नेचर के हवाले से, एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का स्कोप क्या है, नॉलेज क्या है और नॉलेज क्यों जरूरी है, ये इसी हवाले से क्वेश्चन पूछती है। तो फिर इसके बाद दोस्तों ये कहते हैं कि वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी इज स्टडी ऑफ नेचर, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये नेचर का कुदरत का स्टडी है, सोर्स एंड मिनरिटी ऑफ नॉलेज, ये क्या है, ये एक जरिया है सही नॉलेज गेन करने का, सही नॉलेज हासिल करने का। यानी कि दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये हमारे पास एक ब्रांच है फिलोसफी का, और ये क्या है, ये सही नॉलेज गेन करने का एक जरिया है। दोस्तों ये किस तरह क्वेश्चन पूछती है, अब हम ये देख लेते हैं। दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, यानी कि नॉलेज क्या है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज सोर्स, यानी कि सोर्स यानी कि जरिया क्या है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है वो पूछता है कि व्हाट इज ट्रुथ, यानी कि ट्रुथ यानी कि सही क्या है। और इसके अलावा ये तो पूछती है कि वेयर आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि वेयर आर सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज है वो कहाँ है। तो इसी तरह दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पूछती है। और इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो पूछता है कि व्हाट इज बिलीव, यानी कि यकीन क्या है। तो दोस्तों ये हमारे पास होती है एपिस्टेमोलॉजी। इसके बाद दोस्तों आपकी जो ब्रांच है वो क्या है, एक्सियोलॉजी। तीसरा ब्रांच एक्सियोलॉजी है। दोस्तों एक्सियोलॉजी क्या कहती है कि एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एक्सियोलॉजी क्या है, ये एक फिलोसफी का एक ब्रांच है, एक शाख है, इन विच वी स्टडी अबाउट वैल्यू, जिसमें हम वैल्यू के हवाले से मुताला करते हैं, यानी कि वैल्यू के हवाले से हम इसमें पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि एपिस्टेमोलॉजी का, हमने पढ़ा कि एपिस्टम का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग या फिर नॉलेज, और फिर लॉजी का मतलब होता है लोगस यानी कि स्टडी, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक्सियोलॉजी यानी कि एक्सो का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक्सो का मतलब होता है वैल्यू, और इसी तरह लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सियम का हमने मतलब जाना कि इसका मतलब होता है वैल्यू, और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो दोस्तों अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ वैल्यू, यानी कि वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ वैल्यूएबल, क्या वैल्यूएबल है, किस चीज़ की वैल्यू है। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ वैल्यू लेस, यानी किस चीज़ की वैल्यू कम है। तो इसके अलावा छोटा क्वेश्चन क्या पूछता है कि वेयर डज वैल्यू कम फ्रॉम, यानी कि वैल्यू जो है ये कहाँ से आती है, किसी चीज़ का जो मियार होता है वो कहाँ से आता है। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो पूछता है कि हाउ डू वी नो व्हाट इज़ वैल्यूएबल, कि हम कैसे जानते हैं कि कौन सी चीज़ या क्या वैल्यूएबल है, किस चीज़ की वैल्यू है या नहीं। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सियोलॉजी के ब्रांच में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले के हवाले से हम जान सकते हैं कि फिलोसफी जो है ये क्या होती है। तो दोस्तों फिलोसफी के बारे में हमने पढ़ा
और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं इसके हवाले से भी हमने पढ़ा, और अब हमने जाना कि इसके ब्रांचेज जो हैं वो किस किसी से हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पर इस पर मुल्क के तहत हम समझ सकते हैं, दोबारा रिवील कर सकते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा। तो फिलोसफी की जो ब्रांच है मेटाफिजिक्स, दूसरे मेटाफिजिक्स में हमने सीखा कि नेचर जो होता है उसका जो रियलिटी होती है या फिर एग्जिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो मेटाफिजिक्स में क्वेश्चन पूछी जाती है कि नेचर का रियलिटी क्या है या फिर एग्जिस्टेंस क्या है। और फिर दूसरा जो हमारे जाहिर करता है वो क्या है, वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी हमने जाना कि नॉलेज जो है इसका नेचर क्या होता है या फिर इसकी वैलिडिटी क्या होती है या फिर इसकी सोर्स क्या होती है, यानी कि नॉलेज कहाँ से आता है और इसका जो वैलिडिटी यानी कि दुरुस्ती है कि ये नॉलेज कितना सही है कितना गलत है, इसके बहाल से हमने जाना। तो फिर इसके बाद उसका इसका तीसरा ब्रांच क्या होता है, उसका तीसरा ब्रांच क्या कहता है कि एजियोलॉजी जो है ये बात करता है वैल्यू की। दोस्तों यहाँ पर हमने फिलॉसफी की तीनों ब्रांचेज जानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि फिलॉसफी की ये आज की पहली वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस तीनों ब्रांचेज के हवाले से कि एजियोलॉजी क्या होती है, मेटाफिजिक्स क्या होता है या फिर इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। तो मेरे इंशाल्लाह अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।